अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप यू ऑल आर फाइन एंड गुड। तो आज हम आपके साथ शेयर करने वाले हैं एक रेमेडी जो कि है हमारे आईब्रोज एंड आईलैशेस के लिए, जो इसे लॉन्ग करने में हेल्प करता है। तो आइए वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमें लेना है यहाँ पर वैसलीन यानी पेट्रोलियम जेली। हम लोग यहाँ पर वैसलीन इसलिए यूज़ कर रहे हैं क्योंकि ये हमारे ड्राई स्किन को मॉइस्चराइज़ करती है, हमारे आईलैशेस एंड आईब्रोज को लॉन्ग करने में हेल्प करती है, फास्टर ग्रो करती है। और यहाँ हमने लिए 1/4 टीस्पून वैसलीन। अगर आप इसे अपने आईलिड्स पे ऐसे ही अप्लाई करते हैं बिना कोई इंग्रेडिएंट्स ऐड किए या कुछ भी इसे मिक्स करें, तो ये आपको कोई नुकसान नहीं देगी बल्कि आपके आईलैशेस को लॉन्ग करेगी। इसके साथ ही हम यहाँ पर जो सेकंड इंग्रेडिएंट्स यूज़ कर रहे हैं वो है कोकोनट ऑयल। कोकोनट ऑयल तो आपको पता ही है कि हमारे बालों के लिए कितना फ़ायदेमंद है, कितना जल्दी हमारे बालों को ग्रो करता है। यहाँ हमने लिया है 3-4 ड्रॉप्स, इनफ है हमारे लिए कोकोनट ऑयल। कोकोनट ऑयल हमारे जहाँ बाल नहीं होते हैं, अगर आपके आईब्रोज एंड आईलैशेस के बाल नहीं हैं, तो ये इससे न्यू ग्रोथ देता है और नए बाल ग्रो करने में हेल्प करता है। और आप वैसलीन एंड कोकोनट ऑयल को कंबाइन करके अपने आईलैशेस एंड आईब्रोज़ पर अप्लाई करते हैं तो ये इसे लॉन्ग एंड थिक बनाता है और स्ट्रॉन्ग करता है। अब हमने यहाँ पर इसे मिक्स कर लिया है, अच्छे से मिक्स करना है और इसे कंबाइन करना है हमें। एंड देन हम इसे कोई भी कंटेनर में या फिर कोई भी डब्बी में स्टोर कर लेंगे। यहाँ हमने इसलिए थोड़ा सा बनाया है क्योंकि हमारे पास ये पहले से स्टोर हुआ हुआ है। आप इसे 3-4 मंथ इसे स्टोर करके रख सकते हैं और इसे आप डेली अगर यूज़ करते हैं तो आपको बहुत जल्द फ़ायदा आपको मिलेगा। हम इसे कोई भी ब्रश की मदद से इसे अपने आईलैशेस एंड आईब्रोज पर अप्लाई कर लेंगे। एंड ज़्यादा फ़ायदा तब है कि आप इसे रात को अप्लाई कर लें और आप सो जाएँ, तो ये बहुत अच्छा रिज़ल्ट देता है। अब हम आपको अप्लाई करके दिखाएंगे। ब्रश की मदद से हम इसे अच्छे से अप्लाई करेंगे अपने आईलैशेस एंड आईब्रोज। हम बहुत टाइम से आईलैशेस एंड आईब्रोज पर अप्लाई कर रहे हैं और इसका रिज़ल्ट हमें बहुत ज़्यादा अच्छा मिला है। अगर आपने हमारे प्रीवियस वीडियोस को अब तक वॉच आउट नहीं किया है तो प्लीज़ जाके इसे देखें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। इसके बाद है हमारे पास यहाँ पर कैस्टर ऑयल। कैस्टर ऑयल के भी बहुत ज़्यादा फ़ायदे हैं। आप इसे अपने आईलैशेस एंड आईब्रोज पर अप्लाई करते हैं तो ये बहुत जल्दी बालों को लंबा एंड ग्रो करने में हेल्प करता है। ये वैसे तो बहुत ज़्यादा थिक होता है। हम इसे ऐसे ही अप्लाई करते हैं अपने आईलैशेस एंड आईब्रोज पर। अगर आपको पसंद नहीं है कि ये बहुत थिक है और आपको बहुत ज़्यादा ऑयली फील होता है, तो आप इस पर थोड़ा सा ऑलिव ऑयल ऐड कर सकते हैं या बादाम का तेल ऐड कर सकते हैं इसमें। ये देखें कितना थिक है, इसका टेक्सचर बहुत थिक होता है। अगर आप कैस्टर ऑयल रेगुलरली यूज़ करते हैं तो आपको इसका चेंज बहुत जल्दी मिलेगा और आपको फील होगा कि ये बहुत जल्दी थिक और लॉन्ग करता है आपके बालों को। अब हम इसे ब्रश की मदद से इसे अप्लाई कर लेंगे। इसके भी कोई साइड इफेक्ट नहीं है। हमें आईलैशेस पर दोनों साइड पे से अप्लाई करना है, नीचे भी अप्लाई करेंगे और ऊपर भी अप्लाई करेंगे। एंड देन हम इसे आईब्रोज पर अप्लाई कर लेंगे। एंड देन आफ्टर 1 वीक हमें ये रिज़ल्ट मिला है। इसका बहुत ज़्यादा अच्छा रिज़ल्ट था। आई होप आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, हिट द बेल आइकन। ओके गाइज, अल्लाह हाफिज़, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।